कितना स्टैचू है? 900 हजार हजार हाँ। सो गाइस 900 से 1000 स्टैचूज है यहाँ पे। बहुत क्लास लग रहा है यहाँ पे, पूरा फॉग है। मतलब इधर से पीछे डैम है जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है अभी। अपने लगा ये क्या है, तो उन्होंने थोड़ा हाथ से वो मट्टी बाजू कर दी, तो उधर देखा तो नंदी के दो सिंह मिसिंग थे, वो पूरा निकल दिया। वो नंदी था जो आपने देखा ना सफेद वाला, वो नंदी पूरा जमीन में गाड़ गया था। माइथोलॉजिकल जितनी भी स्टोरीज है जितनी भी आपको उनके छोटे छोटे ना छोटे छोटे स्टोरीज या जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम पे। अभी मैं हूँ वारजे चौक में एंड राइट से जो रोड जाता है राइट की तरफ और ब्रिज जो ऊपर दिख रहा है आपको वो है पुणे मुंबई हाईवे। सो अगर आप मुंबई से भी आते हैं तो आप वारजे ब्रिज से राइट लेके अंदर की तरफ जा सकते हो एंड आप इसको खड़क वास रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आप पुणे से हो एंड सी अगर स्वरगेट कातराज एरिया में रहते हो तो आप खड़क वासला की तरफ से जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ वारजे की तरफ से खड़क वासला के बैक साइड से कुड़जे गाँव से, क्योंकि ये रोड नज़दीक पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं खराड़ी में रहता हूँ एंड मेरी एक फ्रेंड है उसने सजेस्ट किया था कि इस रोड से नज़दीक है एंड शी स्टेज इन दैट एरिया सो उसको ज़्यादा पता है। तो मैंने सोचा कि उधर से आते हैं फिर उसको मिल के उससे पूछ लेते और इन्फॉर्मेशन इफ पॉसिबल उसको भी साथ में ले जाएंगे, क्योंकि अगर कोई लोकल होता है जिनके वो प्लेस देखी होती तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। भाई मत कर। कोंडवा धावड़े पहुंच गए हैं, ज्योति देखते हैं पे। हाँ यहाँ पे हेलो हाय कैसे लेट। अरे ट्रैफिक था बहुत पीछे। कहाँ से जाना अभी? सीधा। सो गाइस शी इज माय फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज मास में बाद में। सो अभी यहाँ से जाएंगे। कितना टाइम लगेगा और थोड़ा? ओके आप देख सकते हो वहाँ पे है खड़कवासला डैम एंड ये सामने जो आपको माउंटेन दिख रहा है वो है सियागढ़ फोर्ट, पूरा ढक चुका है। एंड ऐसे जाओगे तो उधर है पानशेत उस तरफ एंड इस तरफ है लवासा उस पहाड़ के पीछे एंड ये देख के तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। होपफुली आगे बारिश होनी चाहिए, अभी थोड़ी सी हुई थी पर वो रुक गई वापस। ये टेंपल याद रखना है आपको या फिर वो बोर्ड जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो एंड ये रोड ऊपर जाता है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है नीलकंठेश्वर टेंपल और ये जो रोड इस तरफ गया है वो गया है टुवर्ड्स वरसगांव डैम। तो गाइस मेरे साथ है मेरी फ्रेंड ज्योति जो कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड है एंड आज मैं उसको मिल रहा हूँ ऑलमोस्ट कितने 2 साल के बाद में कॉलेज के बाद आज मिल रहे हैं एंड वो भी लाइक कोइंसिडेंटली मैं जा रहा था नीलकंठेश्वर तो मैंने सोचा कि ज्योति के पिक देखी थी एंड अगर किसी को पता भी है तो उन्होंने बस सुना है, बहुत कम लोग आए। मतलब मैं तो बोलूंगा कि लाइक 5% ऑफ पूरे पॉपुलेशन यहाँ पे आया है। मैं पिछले बहुत सालों से ये सुन रहा हूँ बट आज लकीली मौका मिला एंड जिसने एक्सप्लोर किया उसके साथ आया तो डेफिनेटली मजा आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सो गाइस अभी हम लोग हाफ वे पहुंच गए एंड और थोड़ा ऊपर जाना है इस तरफ एंड मेरे सामने खड़कवासला डैम का व्यू है प्लस उसी के साथ इस तरफ मुर्शी है जो रोड लवासा की तरफ जाता है इधर से ऐसे एंड ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है माउंटेन जो कि पूरा क्लाउड्स के अंदर ढक गया है वो है सियागढ़ फोर्ट। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सो गाइस ये माउंटेन जो अभी विजिबल था पूरा ढक गया है, एग्जैक्टली सामने था, ये देखिए पूरा अभी फॉग और क्लाउड्स के अंदर गायब, सिएगट तो जीरो विजिबिलिटी, वो दिखाई नहीं दे रहा अभी। अभी और ऊपर जाना है, अभी कितना और हाफ वे तो और ऊपर जाना है, देखते हैं अभी इसमें 10 मिनट लग गए। हाँ ओके, तो डेफिनेटली और 10 मिनट मतलब 20 मिनट लगेंगे, तो जाएंगे अभी ऊपर। सो गाइस नीलकंठेश्वर के पहाड़ के भाई फॉग आ गया है पूरा, एंड नॉट लेस देन महाबलेश्वर माथेरान या कोई हिल स्टेशन से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ आप देख के मतलब दंग हो जाओगे। ये देखिए इस तरफ तो पूरे जंगल है, और ये देखिए इस तरफ से रोड जाता है वो भी फॉग में से और फॉरेस्ट में से। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, एंड ज़बरदस्त लग रहा है ये, क्योंकि मेरे पीछे इसका एंट्रेंस है, वहाँ से और 25 स्टेयर्स है। पर जो इस मंदिर की खूबसूरती है, लाइक ये स्टैचूज़ और भी बहुत सारे कथाएँ यहाँ पे स्टैचूज़ में बनाई गई है, वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, जो कि एक स्लीपिंग पोजीशन में है, एंड ऑलमोस्ट 20 फीट का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बढ़ते अभी ऊपर, फाइनली पहुंच गए। ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टैचूज है, तो ये देखिए ये है एलिफेंट स्टैचू, तो दो स्टैचूज है फॉर एट द एंट्रेंस। सो गाइज यहाँ पे काफी बड़ा शेड है, मतलब यदि बारिश भी आती है तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। ऑलमोस्ट 250-300 लोगों के लिए जगह है, प्लस वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो कुछ एक्सप्लोर करने से पहले कुछ खाते हैं, पानी पीते, पानी चाहिए, पानी नहीं लाया था, तो देखते हैं। गाइस अभी हम लोग हैं नीलकंठेश्वर उपहार ग्रह में, सो बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है, प्लस अभी इनसे पूछते हैं एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे, क्या क्या मिलेगा। हमारे यहाँ पिटला भाकरी 100 रुपये थाली है, ओके, और पोहे 40 रुपये प्लेट है, मैगी 40 रुपये प्लेट है, चाह 20 रुपये है। सो गाइस ये फुल टाइम अवेलेबल रहता है, तो यदि आप आते हो तो यहाँ पे आके खा सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे जो स्टैचू है वो मैं आपको दिखाऊंगा, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैचू से। सो यहाँ पे संत साउता माड़ी, फिर महावीर, संत मीराबाई, संत गुरु नानक, गौतम श्री। गाइस मेरे सामने अभी है नवनाथ, प्लस अपना मंडई का गणपति शारदा गजानन मूर्ति, गणेश जी, उसके तरफ है बहुत सारे स्टैचूज हैं, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं नवनाथ से। अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं शूज निकाल के, सो ये सीता माँ है, ऐसे हनुमान जी उनसे मिलने आए हैं, ऐसे दिखाए यहाँ पे रामायण, दगड़ूशेठ गणपति इस तरफ है, तो पीछे मेरे रामायण की प्रतिकृति बनाई है, सो जब हनुमान जी सीता माँ से मिलने आए थे लंका में वो यहाँ पे दिखाए हैं।
हम लोग जा रहे हैं ऊपर और हमारे साथ है सुनील। सो ये यहीं पे होता है देवस्थान में। एंड ये क्या है इधर? पानी का बॉडी, पीने का। ओके, पीने का पानी है। हाँ। तो यहाँ पे जो पानी पिया जाता है ये यहाँ से मिलता है। हाँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे पीने का पानी का वेल है, देखिए नेचुरल वाटर है ये। एंड ये देखिए, काफी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए। ट्रैक करवा दिया आज तुमने? यस। सो फाइनली पहुंच गए। ये ट्रैक ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का है। रुक रुक के आना पड़ता है क्योंकि स्टेप्स बहुत कम है, बाकी ऐसे ही चढ़ते आना पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग नीलकंठेश्वर मंदिर के अंदर है एंड ये मेन देवस्थान है। नीलकंठेश्वर ये स्वयंभू शिव जी की टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है ये स्वयंभू। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी अलग अलग स्टैचूज लगाए हैं। कितना स्टैचू है? 900 सो गाइस 900 से 1000 स्टैचूज है यहाँ पे। एंड सोचिए इतने स्टैचूज एक जगह पे। गाइस अभी हम लोग मेन मंदिर के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जाएंगे हम मेन मंदिर के अंदर जो कि पुरातन शिव मंदिर है। सो ये देखिए ये पालकी है यहाँ पे, जो अगर कोई उत्सव होगा कुछ होगा तो ये पालकी ले जाई जाती है। एंड ये पुराना वाड़ा है जिसको अभी रेनोवेट किया है। सो जाते हैं अपन मेन मंदिर के अंदर। सो गाइस अभी हम लोग मेन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। सो यहाँ से है मेन मंदिर का प्रवेश द्वार। सो गाइस हमारे साथ गौतम खाड़े सर है जो इस मंदिर में होते हैं एंड सारी देखभाल करते हैं। सर तो ये मंदिर कब से बना है? ये मंदिर 1962 से शुरू हुआ इसका काम। ओके। यहाँ के जो मुख्य महाराज थे सरजे मामा, वो फॉरेस्ट में सर्विस करते थे। ओके। और उनका जो काम था वो देख रेख करना, जो पेड़ पौधे रहते हैं जंगल में उनकी देखभाल करना, और कुछ चोरी वगैरह होती है वो सब देखना, यानी वो वनपाल का काम करते थे। वो ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर हाँ काम करते थे। तो 7 मार्च 1962 में उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई। हाँ, इस पहाड़ पे वो दोपहर के वक्त यहाँ आए। धूप बड़ी तेजी से थी और जब घूमने फिरने लगते तो पसीना भी बहुत आता था, इसलिए जब आप अंदर गए थे वहाँ एक पेड़ था जहाँ शंकर पार्वती की मूर्ति बैठाई है, उस पेड़ के नीचे उन्होंने आराम करने का तय किया। हाँ। और थोड़ा उनके गुलकी लगी। हाँ। यानी कि थोड़ी नींद लगी। हाँ। तो अचानक उनको आवाज़ आई, मुझे पानी पिलाओ, बहुत दिन से मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी नहीं है, मुझे स्नान नहीं है। वो जाग गए और इधर उधर देखने लगे तो कोई भी नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा अक्सर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा भ्रम हुआ। फिर से उन्हें नींद लगी, फिर से आवाज़ आई, बहुत दिन से मुझे दिया नहीं, यहाँ कुछ मेरा देखभाल नहीं करने वाला कोई नहीं है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे स्नान करवाओ मेरा। वो पटकन खड़े हो गए और यहाँ देखने लगे तो कुछ नहीं था। तो थोड़ा आगे चल के आगे गए तो नीचे मिट्टी में उनको दो ऐसे जिसको सिंह बोलते हैं वो ऐसे दिखाई दिए। उन्हें लगा ये क्या है, तो उन्होंने थोड़ा हाथ से वो मिट्टी बम्बाजू कर दी तो उधर देखा तो नंदी के दो सिंह थे, वो पूरा निकाल दिया। वो नंदी था जो आपने देखा ना सफेद वाला, वो नंदी पूरा जमीन में गाड़ गया था। उनको ऐसा लगा यहाँ नंदी है तो पिंड होनी चाहिए, यहाँ नंदी होता है डेफिनेटली वो पिंड होती है। थोड़ा आगे चल के चले गए तो फिर नीचे देखा थोड़ा सा पिंड होने नजर आई थोड़ी सी। okay. वो भी पूरी मट्टी बाजू कर दी तो वहां से पिंड निकल आई। okay. निकल आया नहीं उठाई उसको, दिखाई पड़ी वो स्वयं बाहर आ गई। उन्होंने देख लिया तो उन्हें ऐसा लगा यहाँ नंदी है पिंड है, उनको वो धूप में है, उनको छाया चाहिए। तो उधर उधर जाके थोड़ा सा
वो क्या बोलते पेड़ पौधे लाए और उसको उनको छाया कर दी। तो इतनी मूर्तियाँ ये कब यहाँ पे ही बनाई है नीचे से, मतलब ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई है, एक भी मूर्ति नीचे से लाई नहीं। ओके, और आज तक कितने लोगों का व्यसन मुक्ति हुआ है? आज तक कम से कम यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की व्यसन मुक्ति हुई है। 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की कुछ नियम है, अगर नियम की अच्छी तरह पाबंदी की तो पूरे जिंदगी का कल्याण हो जाता है, अगर नियम तोड़ दिए तो इसका असर भी बहुत बुरा होता है और आज तक ऐसा हुआ है। तो सर अगर किसी को आना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए। हाँ, तो ताकि मैं इस वीडियो के आखिर में इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा इस देवस्थान का, तो यदि किसी को यहाँ पे आना है या फिर किसी को व्यसन मुक्ति करनी है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में इश्यूज होते हैं कि लोग दारू पीते हैं या फिर जिसकी वजह से घर का एक माहौल बिगड़ जाता है, तो यहाँ पे आके आप वो इनकी दारू मुक्ति कर सकते हो। एंड डेफिनेटली सर तो है ही यहाँ पे, और गाइस इन्फॉर्मेशन ले ली, यहाँ पे दारू मुक्ति भी होती है एंड दारू बंदी बोल सकते हो, दारू मुक्ति बोल सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं एंड ये पूरा ढक गया है फॉग में, कैसा लग रहा है? मस्त। तो आईडी तो पी है ऐसा कुछ? नो, नॉट। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं बहुत लकी हूँ। ये तामिनी भी गई थी पर तामिनी में बारिश नहीं मिली थी तुझे? मुझे दोनों टाइम, मतलब जब विक्रम भैया के साथ गया था तभी भी बारिश मिली थी, जब मैं फैमिली के साथ गया तभी भी बारिश मिली थी। यानी ये देखिए पूरा फॉग। सो यहाँ से पानशेत का भी व्यू आता है पर ये फॉग देखते हुए नहीं लगता पानशेत और वर्सगांव दिखेगा, क्योंकि ऐसे पानशेत और वर्सगांव वी में दिखते हैं, बीच में से ऐसे बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है वो, पर अभी मुझे नहीं लगता विजिबल होगा। ये देखिए मेरे पीछे विष्णु भगवान, ये पूरा उनका किंगडम। समुद्र मंथन का प्रतिकृति बना है यहाँ पे। सो शिव जी के हाथ में यहाँ पे अमृत दिया है एंड एक तरफ देवता थे एक तरफ राक्षस, और ये समुद्र मंथन का प्रतिकृति बना है यहाँ पे। ये ओम था जो कि हवा के वजह से टूट गया होगा शायद। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ। कि यहाँ पे माइथोलॉजिकल जितनी भी स्टोरीज है हाँ। जितनी भी okay. आपको उनके छोटे 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 स्टोरीज या जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम पे हाँ. आपको उनके कहते ना दृश्य हाँ. वो दिखेंगे। ओके okay. इन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ पे मूर्तियाँ बना रखी है हाँ. और उनको इस तरीके से लगा रखा है कि एक मेडले टाइप आपको okay. लगेगा कि आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, जैसे आप हाँ. निकल गुजरते जाएंगे ना आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी देख रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे कुछ है जिसकी स्टोरी हमें ज्योति बताएगी। एग्जैक्टली आई ऑल्सो डोंट नो बट आई नो दिस मच पार्ट कि जब भीष्म पितामह जी माँ को तीर लग गए थे तो उनकी बॉडी जमीन पे ना आए टच हो, तो उनको इज्जत देने के लिए अर्जुन ने उनको तीरों के यानी बाण के बेड पे लिटाया था ताकि okay. उनकी बॉडी जमीन पे टच ना हो, एज अ रिस्पेक्ट एज अ ट्रिब्यूट। ओके तो गाइस कुंभकर्ण को उठाने वाला पूरा सीन यहाँ पे बना दिया है, जो नृत्य हुआ था वो नगाड़े बजे थे, बहुत सारी चीज़ें, खाना लाया गया था, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। We'll be right back.
Do you know what is this? These are real shells. जब गौतम बुद्ध अपनी प्रार्थना में थे तो धूप से बारिश से और बाकी चीजों को बचाने के लिए जो रियल शेल्स होते हैं ना उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनके सर पे आके वो बैठ गए थे. Okay. तो सबको लगता है कि घुघराले बाल है पर ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल शेल्स हैं इनके बालों पे. Okay. रियल शेल्स. Yeah. So, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप समझ गए होंगे इसको क्यों लेके आया हूं साथ में. सो शी हैज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. सो अभी अपन जाते हैं नीचे, और दो तीन मूर्तियां हैं वो देखेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू पुणे. सी द गेट. So, अभी तो विजिबल नहीं है, जैसे आगे जाएंगे विजिबल हो जाएगा. सो नाउ इट्स विजिबल. ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. सो गाइस फाइनली नीचे आ गए एंड ये व्लॉग डेफिनेटली आपको पसंद आया ही होगा एंड यहाँ पर जरूर आकर विजिट करना, जिसको दारूबंदी करनी है उनको भी यहाँ पे ले आना. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू ज्योति. So please do like, share and subscribe. Thank you so much.